Good morning students, today I will take section 2 chapter name is physical activity necessary to keep fit. Do you know what is the meaning of physical? Physical means sharirik and activity means gativiti. Necessary means avashyak to keep fit, hame swasth fit rehne ke liye. शारीरिक गतिविधि आवश्यक है फिट रहने के लिए. हमारी बॉडी को फिट रहने के लिए शारीरिक गतिविधि अत्यंत आवश्यक है. टू कीप फिट इज इट इज एसेंशियल टू रिमेन एक्टिव. मतलब फिट रहने के लिए सक्रिय होना बहुत आवश्यक है. यानी फिट रहने के लिए हमें अपनी बॉडी को हमेशा क्या करना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए, जिससे कि हम क्या रहें, फिट रहें. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. A lot of school children take the bus to school. A lot of यानी बहुत सारे स्कूल के बच्चे जो थे स्कूल की बस में थे. Spend the afternoon doing homework and in the evening watch TV. Spend the afternoon दोपहर को निकालने के बाद यानी दोपहर को स्पेंड करने के बाद अपना होमवर्क करते थे और शाम को क्या करते थे, इन द इवनिंग टीवी वॉच करते थे, टीवी देखते थे. It might be their way of counterbalancing the stress of school, but it is also can lead to physical problem. Counterbalancing का मतलब होता है असंतुलन, यानी neutralizing, getting rid of. मतलब आदमी की स्थिति ऐसी रहती है असंतुलन ना, इधर का इधर स्ट्रेस वाली स्थिति रहती है. तो वो कह रहा है कि it might be मतलब हो सकता है, their way of counter balancing उनका जो रास्ता है असंतुलन का, the stress of the school, स्कूल का स्ट्रेस, but it also can lead to physical problem. ये उनकी क्या है, ये उनकी शारीरिक परेशानी है. A person who doesn't get enough physical activity will quickly put on the weight. एक व्यक्ति जो फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधि नहीं करता है, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं हो, विल क्विकली पुट ऑन वेट. उसका क्या होता है, वेट को बहुत जल्दी, क्विकली बहुत जल्दी वेट उसका बढ़ता है. ऑफन कैन नॉट कंसंट्रेट एंड फ्रिक्वेंटली फील्स फ्लैबी. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैबी? फ्लैबी मीन्स हैविंग सॉफ्ट लूज फ्लैश फैट. जो जरूरत से ज्यादा इनका वेट बढ़ता है उनको हम कहते हैं फ्लैबी, है ना. तो वो कह रहे हैं कि ऑफन कैन नॉट कंसंट्रेट. कंसंट्रेट मतलब ध्यान देना. वो बिल्कुल उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता किस पर, फ्रिक्वेंटली फील एंड फ्लैबी. जो फ्रिक्वेंटली मतलब जो बार बार जो महसूस कर रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, हेल्थ बढ़ रही है, उस पर उनका कोई भी ध्यान नहीं होता. सेड एक्सेल बर्ड एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स सेकेंडरी एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन जर्मनी. जर्मनी में जो गोटिंगन के जो वो थे, कौन डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया स्पोर्ट्स के बारे में. स्पोर्ट्स इज सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड क्या है, पढ़ाई के साथ साथ व्यक्ति को स्पोर्ट्स में भी उतना इंटरेस्ट लेना चाहिए. This important thing to get some physical activity. ये जो महत्वपूर्ण बात है, इससे हमें क्या मिलती है, शारीरिक गतिविधि का ज्ञान होता है, इससे पता चलता है. You can walk or ride a bike to school. आप क्या करते हो, तुम स्कूल जाते हो या तो पैदल जाते हो या क्या करते हो, बाइक से राइड करते हो. एंड टेक द स्टेयर्स इंस्टीड ऑफ द एलिवेटर. एलिवेटर मतलब होता है, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियां और एलिवेटर मीन्स होता है जहां पे सीढ़ियां नहीं होती हैं, लिफ्ट टाइप का जो रहता है. तो बोयर कहते हैं, उनका कहना ये है कि आप स्कूल जाते हो या तो बाइक से जाते हो या फिर स्कूल में क्या है, या आप जो है सीढ़ियां की बजाय आप एलिवेटर यूज करते हो. इट हेल्प्स टू फाइंड ए सपोर्ट दैट कैन बी डन विद फ्रेंड्स. क्या है, जो आपका ये स्पोर्ट है वो क्या करते हैं, आपके उसमें आपके फ्रेंड्स आपके साथ होते हैं, आपके हेल्प करते हैं. और कौन कौन से आपके स्पोर्ट्स हैं वो, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, बास्केटबॉल, जॉगिंग, इनलाइन स्केटिंग एंड टेबल टेनिस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्स. ये सारे क्या हैं, गुड एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्स हैं. आल्सो कंसीडर ए स्पोर्ट इन विच एवरीवन इज
at the same level so that the beginners are not left behind by a few who are exceptionally good. मतलब जो उनको स्पोर्ट्स के लिए सबका सेम लेवल होता है शुरू में, ठीक है, उनको क्या करना है, लेफ्ट बिहाइंड पीछे नहीं छोड़ना है. फ्यू हु आर एक्सेप्शनली गुड, जो मतलब क्या है, खास कर बहुत स्पोर्ट्स में अच्छे हैं. दोज हु वांट टू गेट फिट, जो लोग फिट रहना चाहते हैं या फिट होना चाहते हैं. एंड स्टे फिट शुड पे अटेंशन टू द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट. इंटेंसिटी मतलब जो तीव्रता है, और वर्कआउट मीन्स आप क्या व्यायाम करते हो, क्या एक्सरसाइज करते हो. जो लोग फिट रहना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, पे अटेंशन टू द ड्यूरेशन, मतलब जो उस पर समय पे ध्यान देना चाहिए, वर्कआउट के समय पे उनको ध्यान देना चाहिए. एट लीस्ट 1 hour डे इज एन एक्टिविटी डेट ब्रिंग्स ए ऑन ए स्वेट. जब हम 1 hour का वर्कआउट करते हैं, इन्हें डे में एक दिन में कोई गतिविधि करते हैं, तो हमें क्या आता है, स्वेट. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वेट, पसीना. इंक्रीज ब्रीदिंग एंड राइज टू हार्ट रेट टू 120 बीट्स पर मिनट वुड बी ऑप्टिमल. ऑप्टिमल मीन्स होता है कि जैसे सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट. क्या होता है, हम जब वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी क्या होता है, ब्रीदिंग भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और क्या होता है, हमारी जो हार्ट रेट होती है, हार्ट बीट्स होती हैं, वो बढ़ती हैं. सैड हैंस जोकिम सीबर्ट, चेयरमैन ऑफ द चिल्ड्रेन एंड यूथ स्पोर्ट्स. जो कौन है ये, चिल्ड्रेन एंड यूथ स्पोर्ट्स के चेयरमैन है, सेक्शन ऑफ द जर्मन एसोसिएशन फॉर स्पोर्ट मेडिसिन एंड प्रिवेंशन. क्या कहा उन्होंने, स्पोर्ट्स के लिए मेडिसिन दी और उनके प्रिवेंशन, मतलब उनके लिए पहले से कोई ना कोई निवारण करा उनका. प्रिवेंशन मीन्स निवारण. सम टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, कुछ स्पोर्ट्स जैसे हाउएवर कम विद ए वार्निंग, जो आपको क्या देते हैं, वार्निंग. वार्निंग मीन्स चेतावनी देते हैं. एक्टिविटीज दैट रिक्वायर रिपीटेड स्ट्रेस ऑन जॉइंट्स सच एज डिस्टेंस रनिंग एंड वेट लिफ्टिंग कैन बी डेंजरस इन यूथ हुज बोन्स हैव नॉट येट फिनिश्ड ग्रोइंग. जिनकी बोन्स ग्रोइंग नहीं हो रही हैं, अभी तक फिनिश पूरी ग्रोइंग नहीं होनी शुरू हुई हैं, उनके लिए क्या है, वेट लिफ्टिंग है और रनिंग है, ये क्या है, यूथ के लिए डेंजरस साबित हो गई है, मतलब खतरनाक हो गई हैं. सेट सीबर्ट, सीबर्ट कहते हैं, दैट्स वाई वन शुड नॉट स्टार्ट परस्यूइंग सच स्पोर्ट बिफोर द एज ऑफ 14. इसलिए वो ये कह रहे हैं कि आपको जो है 14 साल के बाद ही आपको जो है ये एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, इन सब में इंटरेस्ट लेना है या इनको वर्कआउट में शामिल करना है. स्पोर्ट्स आल्सो हैव अदर एडवांटेज. एडवांटेज मतलब फायदे. स्पोर्ट्स के अलग से भी क्या है, बहुत एडवांटेज है, फायदे हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू मेक फ्रेंड्स. इससे क्या होता है, हम बाहर निकलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं और उन लोगों में क्या बनते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं. वाइल आल्सो ऑफरिंग ए डिस्ट्रेक्शन. डिस्ट्रेक्शन मीन्स होता है व्याकुलता. डिस्ट्रेक्शन मीन्स व्याकुलता. वाइल आल्सो ऑफरिंग, हमें जब व्याकुलता का ऑफर मिलता है फ्रॉम एग्रवेशंस, एग्रवेशंस एट स्कूल मतलब उत्तेजना के लिए, वर्क एट होम एंड ए चांस टू लेट ऑफ स्टीम सेट लैटिन बेंच. लैटिन बेंच कहते हैं कि हमें जो भाप लेने का और जो ऐसे वर्कआउट करने के जो चांस मिलते हैं, उनसे क्या होता है, डिस्ट्रेक्शन के ऑफर है वो हमारे लिए. सीबर्ट सेड इन एडिशन, सीबर्ट कहते हैं, स्टडीज हैव शोन द स्टूडेंट हु रेगुलरली डू स्पोर्ट परफॉर्म बेटर इन द क्लासरूम. सीबर्ट का ये कहना है या ये मानना है कि जो बच्चे हमारे स्पोर्ट्स को डेली अपनी रूटीन में शामिल करते हैं, डेली खेलते हैं, तो वो क्या है, एजुकेशन में भी, पढ़ाई में भी क्या है, क्लासरूम में बेस्ट रहते हैं, उनका वहाँ भी क्या है, 101% रहता है. इस चैप्टर से हमें ये मॉडल मिलता है कि पढ़ाई के साथ साथ नाउएडेज स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर अस, हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमारे क्या है, बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है, जो हमारी फ्लैबी बॉडी है वो सही रहती है, मतलब उसको क्या होता है, फ्लैबी होने नहीं देती है, बॉडी मेंटेन रखती है, हाइट बढ़ती है, और हम दिन भर हमारा कैसा रहता है, फ्रेश रहता है. सो स्टूडेंट्स,
I had completed this chapter. Now Monday onwards, I will take exercise as well as question answer from this chapter. Thank you. Have a nice day.